कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रधानमंत्री की देश के प्रति, कोई जिम्मेदारी नहीं होती जनता के प्रति। मैंने देखे हैं ऐसे प्रधानमंत्री, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, इंदिरा जी थी। कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। हर बार मंच पे आए माफी मंगवाओ कि हमारे सामने खड़े होकर आपने ऐसी उल्टी सुलटी बातें, आपने ऐसी हल्की बातें कैसे कर डाली। आप माफी मंगवाओ, पूछो इनसे। कोई जिम्मेदारी नहीं होती प्रधानमंत्री की देश के प्रति, कोई जिम्मेदारी नहीं होती जनता के प्रति कि जनता के सामने मंच पे खड़े हो, सच बोलो। यही जिम्मेदारी होती है। ये दिल में लेके ये जिम्मेदारी उठाते हैं प्रधानमंत्री। मैंने देखे हैं ऐसे प्रधानमंत्री, और मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि यह देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे। करते रहे, लेकिन देश के सामने इस तरह के झूठ बोलना, इस स्तर पे आना देश के सामने कि कोई राजनीतिक दल आके एक्सरे लेकर आपके घर में घुस के, मतलब मजाक की बात है।